हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोसेको इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उसकी अमाउंट और एक ऑडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹10 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 1400 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 0.7% का डिविडेंड रिकमेंड किया है। और यह डिविडेंड इनके शेयर होल्डर को तभी मिलेगा यदि आने वाली एजीएम में यह डिक्लेयर किया गया। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने बताई है 14 जून 2021। तो यदि आपके डीमैट अकाउंट में 14 जून को यह शेयर होगा तभी आपको ₹10 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग जो एक्स डिविडेंड डेट बनी वो बननी चाहिए थी 13 जून, पर 13 को है संडे, 12 को सैटरडे, इन दोनों दिन मार्केट बंद रहेगी। तो जो एक्स डिविडेंड डेट बनेगी वो बनेगी 11 जून, और डिविडेंड के लिए जो लास्ट बाइंग डेट बनेगी वो बनेगी 10 जून। तो यदि आपने यह शेयर 10 जून या उससे पहले खरीदा तभी यह 14 जून को आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा और तभी आपको ₹10 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और यदि आपने यह शेयर पहले से ही खरीद रखा है या फिर 10 जून को खरीदा है और आपको डिविडेंड चाहिए तो आपने यह शेयर एक्स डेट यानी 11 जून या उसके बाद बेचना है। 11 जून को बेचोगे तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा। और यदि आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हुए तो कंपनी आपके बैंक अकाउंट में 20 जुलाई जो उससे पहले डिविडेंड की अमाउंट डाल देगी। यदि आपके पास एक शेयर होगा तो आपको मिलेंगे ₹10, 10 होंगे तो 100, जितने ज्यादा शेयर होंगे उतने ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। ओके, थैंक्स।